हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर के, जो कि हर लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के लिए तो ये हर किसी के लिए, जो भी इंसान हो, हर किसी को ये टिप जाननी चाहिए। और ख़ास करके उन लोगों को जो लोग कुकिंग से रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप और ट्रिक हम लेकर के आए हुए हैं, जिससे कि आप लोगों को कुकिंग करते वक्त या फिर और सारे कामों में बहुत आसानी होने वाली है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हेल्प मी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे टिप नंबर पहला है फ्रेंड्स, इस तरह का जो हमारे घर में कलछल या फिर ये स्पैचुला चाहे छन्नी वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, वो अक्सर आप देखेंगे तो इधर उधर बिखरा रहता है, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम यूज करते हैं कहीं रख देते हैं, जल्दी मिलता भी नहीं है। कई सामान ऐसा भी होता है इसमें जो रेगुलरली यूज होता है वो तो मान लीजिए कि मिल जाता है, लेकिन जो कभी कभी यूज होता है उसे तो हम ढूंढते ही रह जाते हैं। तो इसके लिए और इसकी खास बात ये फ्रेंड्स कि अगर आप इसे इस तरह से रखो तो बहुत सारा सामान या जगह ऐसे बिखरा रहता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस तरह के मेटल की चूड़ियाँ ले लें, इससे भी आप इससे बहुत अच्छे से इसका होल्ड वगैरह लगा करके इसको हैंग कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर चूड़ियों को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो कि आप सभी के घर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ऊन का गोला। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ऊन सभी के घर में मिल जाता है, या फिर ऊन की जगह पे आप धागा ले सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो। चूड़ियों से तो फ्रेंड्स बनाना आसान है, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, पर क्या होता है कि जब हम बर्तन धुलते हैं ना तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे उनको इस तरह से हाथों पे लपेट करके जितना छोटा बड़ा आपको रखना है और जितना चाहिए उतना हमने यहाँ पे ले लिया है। और इस तरह से एक एक धागे को हम उठाएंगे और इस तरह से इसमें नॉट्स लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्या होगा कि आंखों के सामने सामान जब रहेगा तो कोई भी ले लेगा, वरना अगर आपके सिवा कोई और कुकिंग में आ रहा है किचन में तो पता लगा कि वो तो आपको दौड़ा दौड़ा के थका देगा। तो इससे ये बहुत ही काम की टिप आप लोगों के साथ होने वाली है। तो इस तरह से क्या करना है कि जितने सारे इसके बड़े होल हैं वो तो हम आसानी से हैंग कर देते हैं, लेकिन जो छोटा वाला होल होता है वो हैंग नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें ये फार्मूला आजमाना पड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने सारे में इस तरह से एक एक नॉट्स लगा लिए हैं धागे के। अब इसे करना क्या है चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो किल की हेल्प से एक इस तरह का हमारे पास लोहे का ये पड़ा हुआ था छड़, इसको हमने इस तरह से सेट कर दिया है और ये हमने पर्दा लटकाने वाला इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इस तरह से सारे सामान को, जो हमारा स्पैचुला है, चाहे छन्नी है, मैसर है, जो भी है, कलछल, चिमटा, हम सारी चीज़ों को इस तरह से हैंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आंखों के सामने दिखेगा भी दिखेगा, और जब जरूरत पड़ी जिसके उसे आप लीजिए, यूज करिए, फिर यहीं पे हैंग कर दीजिए, दोबारा से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो टिप नंबर दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये भी बहुत काम की टिप है आप लोगों के लिए। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी रोटियाँ बनाते हैं तो आटा बच ही जाता है। कभी कभी किसी को भूख होती है तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर कभी कभी किसी को भूख कम लगे तो कम खाते हैं, इस वजह से आटा बचना तो लाजमी हो जाता है। और इसे हम जब फ्रिज में रखते हैं या फिर ऐसे, तो ये कुछ समय के बाद बहुत हार्ड हो जाता है। फ्रिज में रखने के बाद तो ये और भी हार्ड हो जाता है, जिससे कि जब हम निकाल करके रोटियाँ बनाते हैं तो जल्दी बनता नहीं है। तो आपका आटा लंबे समय तक कैसे मुलायम रहे, फ्रिज में रखने के बाद भी इसकी सॉफ्टनेस कैसे बरकरार रहे, इसके लिए करना क्या है कि इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डालें और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा इस तरह से गूंथ लीजिए। गूंथने के बाद फ्रेंड्स इसको अच्छे से आप रब करिए, रब करने के बाद इस तरह से इकट्ठा कर दीजिए सारे आटे को। और इकट्ठा करने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए कोई सा भी, और उसमें इसे रख दीजिए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उस पर उंगलियों का निशान बना दीजिए, क्योंकि आटे को इस तरह से राउंड करके रखना हमारे धर्म में जो है थोड़ा सा अपशगुन माना जाता है। तो इस तरह से आप उस पर उंगलियों के निशान बना दीजिए, जिससे कि ये अच्छे से अपना आटा भी रख जाएगा और हमें कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आने वाली। तो इस तरह से हमने इसे कवर कर दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से हम फ्रिज में रख देंगे।
आप इसे आराम से फ्रिज में रखिए और उसके बाद जब जी में चाहे निकालिए, और उसके बाद आप देखेंगे ना तो आपका जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट एकदम जैसे कि तैसा बना रहेगा, बिल्कुल भी इसमें हार्डनेस नहीं आएगी। और जब भी आप रोटियां बनाना चाहें फटाफट से इसे आप बना सकते हैं, रोटियां भी आपकी सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी। और इस तरह से फ्रेंड्स ये भी बहुत काम की टिप है, आप इसे हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं, आजमाया हुआ नुस्खा भी है। टिप नंबर 3 यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये जो बिगनर्स है जो पहले पहले कुकिंग सीख रहे हैं या फिर जो लोग कुकिंग करते भी हैं, जेंट्स लोग भी कई जगह पे काफ़ी सारी कुकिंग में लगे हुए हैं या फिर जो लोग घर से बाहर रहते हैं उन्हें तो बनाना ही पड़ता है, उनके लिए ये भी बहुत खास की टिप है कि फ्रेंड्स जब क्या होता है कि हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि सब्जी हमारी जब बनती है तो उसमें ना जब हम उसे फ्राई करते हैं भूनते हैं तो अच्छे से भून नहीं पाता, वो कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो चिपकने के लिए आप क्या करें कि जब भी आप उसका तड़का लगाएं सब्जी का, कोई सा भी सब्जी बना रहे हो, तो जो ऑयल है उसे इस तरह से कढ़ाई में चारों तरफ फैला दीजिए। फैलाने के बाद आप इसमें प्याज वगैरह सब्जी जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं वो इसमें डालिए और इसके बाद आप इसे फ्राई करिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो सब्जी है वो तले में चिपकेगी भी नहीं और आपकी जो सब्जी है भुनने के बाद जो उसका फ्लेवर आएगा वो तो सब्जी जब भूनती है तो उसका टेस्ट ही कमाल का होता है। तो इसलिए आप आसानी से अपनी सब्जी को भून भी सकते हैं और ये बिल्कुल भी तले में नहीं चिपकने वाली है और आपकी सब्जी जो है बनके तैयार भी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी सब्जी रेडी भी हो चुकी है और तले में चिपक भी नहीं रही है। तो ये बहुत काम की टिप है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसे आराम से आजमाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 4 यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा, जो कि चावल को लेकर के, जो कि अक्सर हम सभी के साथ होता है। जब कभी क्या होता है कि हम चावल बैठाते हैं तो भूल जाते हैं या फिर कभी कभी कुकर का जो रबड़ है वो ख़राब होता है, जिसकी वगैरह पानी वगैरह जो कभी कभी सीटियाँ ही नहीं सही से आती हैं या फिर तो बहुत सारे कारणों से चावल जो हमारा तले में चिपक जाता है या जल जाता है। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या, जला हुआ चावल तो कोई खाएगा नहीं और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ऊपर वाला चावल निकाल करके नीचे वाला छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स उसमें जलने की जो स्मेल है वो आती रहती है जिससे कि लोग खाने में बहुत ही आनाकानी करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले ऊपर ऊपर का जितना चावल है वो आप आसानी से निकाल लीजिए, बहुत ही ध्यान से जला हुआ चावल नहीं आए। यहाँ पे हमने सारी चावल को ऊपर से निकाल लिया है, जला वाला चावल हम छोड़ देंगे, इसे तो हमें फेंकना ही पड़ेगा, इसके लिए तो कोई भी उपाय नहीं है। तो इसे रखते हैं साइड में, जो अच्छा वाला चावल है इसे हम ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने गैस ऑन करना है, उस पर चढ़ा देना है पतीले में पानी। तो पानी आप उतना लीजिए जितना चावल है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी होना चाहिए। पानी को अच्छे से बॉयल करिए। तो पानी जब आपका गर्म हो जाए तो चावल को उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने चावल को पानी में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि इसे अच्छे से चला देना है और गैस जो है अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इसको हम पहले ढक देते हैं, इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने क्या करना है, इसे उतार लेना है। तो आप देखिए ये अच्छे से इसकी जो स्मेल है पानी में आ चुकी है, अब हमने क्या करना है इसे उतार लेना है और उतारने के बाद इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसका सारा पानी निकल चुका है और ये चावल बिल्कुल फ्रेश हो गया है, अब आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो इसमें से जलने की कोई स्मेल आने वाली है और ना ही कोई टेंशन है, कोई किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि चावल जला हुआ था इस तरह से। तो ये देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट ये चावल भी रेडी है हमारे। इधर आप देख सकते हैं ना तो बिल्कुल गीला हुआ है, न तो कुछ, वापस से इसे पानी में डालने से भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत काम की टिप है, आप इसे हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि आप लोगों के सामने ये होता ही होता होगा। टिप नंबर 5 है यहाँ पे फ्रेंड्स दाल को लेकर के, जो कि हम सबकी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग तो दाल खाना पसंद ही नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक ही फ्लेवर की दाल को खा खा के बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हम बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से दाल बना के तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि नॉर्मल से जैसे हमने दाल में नमक हल्दी डाल के उबालना होता है, उस तरह से हम दाल में नमक और हल्दी ऐड करेंगे। तो इस तरह से नमक हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे हम। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले मिक्स करेंगे और इसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करेंगे,
और इस पर हम कुकर को चढ़ा देंगे। अब आती है बारी हमारे फ्लेवर डालने की। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, एक ही फ्लेवर का हम लोग जब दाल खा खा के बोर हो जाते हैं, तो इस तरह से आप कभी कभी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया मिट्टी का कुल्हड़, इसे हम दाल में डाल देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो पहले सब लोग मिट्टी के हांडी में दाल वगैरह बनाते थे, तो वो फ्लेवर के साथ साथ खुशबू उसकी बहुत अच्छी आती थी, वो फ्लेवर आपको इस तरह से मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने इसे इसमें डाल देना है मिट्टी के पॉट को, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हम दाल उबाल लेंगे। तो जितनी सीटी में आपकी दाल पकती हो, एक सीटी दो सीटी, जितनी में सीटी में आपकी दाल पक रही हो आप उतना पका लीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे, जब तक हमारा सीटी निकल रहा है तब तक हमने क्या करना है, इसे नॉर्मल सा तड़का बनाना है। इस दाल के लिए सिर्फ घी और जीरे का आप तड़का लगाएं, बहुत ही फ्लेवरफुल और नेक्स्ट लेवल का स्वाद लेके ये दाल बन के तैयार होता है। घी जीरे का तड़का रेडी है, इधर हमारी सीटी भी निकल चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बिल्कुल मिट्टी के बर्तन में बनने वाली। तो इस तरह से हम मिट्टी के पॉट को निकाल लेंगे और इसे हम रख देंगे वापस से, इसे वॉश करके फिर दोबारा चाहें तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये दाल हम मैं आपको दिखाती हूँ, दाल भी हमारी अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है। तो हमने जो तड़का तैयार किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि आप बगैर रोटी चावल के इसी दाल को पी जाएंगे या खा जाएंगे, इतनी अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये दाल भी रेडी हो चुकी है। तो ये भी आपके बहुत काम आने वाली टिप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप नंबर 6 यहाँ पे है फ्रेंड्स, इस तरह की गिलास वगैरह हम बाजार से खरीद के लाते हैं, लेकिन कुछ समय यूज करने के बाद इसकी हालत जो है ऐसी हो जाती है जिससे हम दोबारा यूज नहीं करना चाहते। तो इसके पैसे अच्छे से वसूल कैसे हों, इसके लिए हमने क्या करना है, ये अभी बस देखिए ये मजबूत भी बहुत ज़्यादा है और इसका बाहर से लुक भी अच्छा है, बस ये थोड़ा सा अंदर से इसका जो है लुक बदल गया है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसका इस तरह से हमारे घर में हमेशा चम्मच छिलनी या फिर चाकू जो भी होता है सब इस तरह से फोक वगैरह फैले रहते हैं, और इस तरह से हमने क्या करना है, हमेशा ढूंढते रहो जब भी चम्मच वगैरह की ज़रूरत पड़ती है मिर्च मसाला डालने के लिए या फिर खाने होने के लिए तो लगो उसमें ढूंढने के लिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये हमारे पास आइडिया था, हमने इसे अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया। और आसानी से इसे आप इसमें एक साथ सेट भी कर सकती हैं, बहुत सारा इसमें एडजस्ट भी हो जाता है। और ये देखिए कितना सारा फैला हुआ था तो कितना सारा लग रहा था, अभी कितने कम जगह में ये सेट भी हो चुका है। और इसकी खास बात ये है फ्रेंड्स कि काउंटर पे आप कहीं भी इसे रख सकते हैं, इससे क्या होगा कि देखने में भी इसका लुक अच्छा लगेगा और आपको सामान जो है ईजिली मिल भी जाएगा। और ये इसके लुक को भी आप देख सकते हैं। तो इतने सारे काम आने वाली टिप को आप थोड़ा सा ध्यान में रखा करें, अब जब जरूरत पड़े आप इसे निकालिए यूज करिए फिर वापस से इसी में रख दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।